हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। चलो शुरू करते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। अब देखो, हम राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते इसी धारणा के विरुद्ध एक तरह की साझेदारी क्यों ना कर ले। देखो सीधी सी बात है, अगर हम अपनी पावर कोई भी अगर सरकार में और अपनी पावर बांट देगा तो सीधी सी बात है फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जल्दी फैसले नहीं हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम सत्ता की साझेदारी कर लें। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। देखो ये ना बहुत सालों से ये मान्यता चली आ रही है कि जो शक्ति होनी चाहिए एक व्यक्ति यह व्यक्ति के समूह के पास होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी फैसले हो सके। अगर अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। और सीधी सी बात है, अगर फैसले लेने की शक्ति अगर बिखर जाएगी तो जल्दी फैसले नहीं हो सकेंगे। अब जैसे कि मान लो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लो घर में पापा हैं, मम्मी है, आप हो, आपका भाई है, आप मान लो सबसे छोटे हो। मान लो कल को आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब आप जाकर अपने पापा से पूछते हो तो पापा आपके कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं ले सकता इसमें फैसला। आप अपनी मम्मी से पूछते हो, आपकी मम्मी भी कहती है मुझे नहीं पता। और आप अपने भाई से पूछते हो तो वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता। अब सोचो यहाँ कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा, तो सोचो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फैसला लेना चाहता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो फैसले लेने की शक्ति है वो बिखरनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर फैसले लेने की शक्ति नहीं बिखरेगी तो जल्दी फैसले होंगे और जल्दी लागू हो सकेंगे। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। और देखो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो सारी शक्ति कहाँ से आती है, जनता से आती है, और जनता ही हमें सारी शक्तियाँ प्रदान करती है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अब यहाँ पे लोग अब संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, बल्कि सीधी सी बात है हम अपने विधायक या प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारे काम करते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। अब देखो एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में उसी को कहेंगे जहाँ पर समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को सम्मान दिया जाए और उनको सार्वजनिक नीतियों में भाग दिया जाए, उनकी बातों को शामिल किया जाए, उसी को हम अच्छा लोकतंत्र कहेंगे। तो सबसे अच्छा लोकतंत्र किसे कहेंगे, जहाँ पर समाज के विभिन्न समूह को सम्मान दिया जाए और सार्वजनिक नीतियों में उनके विचारों को रखा जाए या उनको भी मौका दिया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। और वही लोकतांत्रिक शासन अच्छा होगा जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, वही एक अच्छा लोकतंत्र कहलाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर करें। अब देखो आधुनिक लोकतांत्रिक में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हम इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलो तो पहला पढ़ते हैं, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर सत्ता का बंटवारा किन किन के बीच में हो रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किसे कहते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, विधायिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं, जो कानून को लागू कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कार्यपालिका। और न्यायपालिका किसे कहते हैं, जो न्याय करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। देखो हम इसे क्या कहेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कि एक लाइन है, यहाँ पर एक क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब देखो तीनों एक ही स्थान पर है, इसे क्षैतिज वितरण कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सारे एक ही जगह पर है, ये विधायिका है, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। अब देखो सरकार के विभिन्न अंग एक ही जगह पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सब एक ही स्तर पर है, देख रहे हो सारे क्या है, एक ही स्तर पर। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अब ऐसे बंटवारे में क्या सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग ना
ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि एक तरह से असीमित, बल्कि कोई सीमा ही ना हो, असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। हर अंग एक दूसरे में क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। इसी को कहते हैं सत्ता का क्षेत्रित वितरण। तो सत्ता का क्षेत्रित वितरण किसे कहते हैं, जहाँ पर शासन के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सत्ता का क्षेत्रित वितरण। हर अंग दूसरे पर क्या लगा सकता है, अंकुश लगा सकता है, बल्कि रोक लगा सकता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है, और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, संस्थाओं के बीच में संतुलन बन जाता है। मतलब कि अगर कोई ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा तो उस पर दूसरा अंग क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, क्योंकि तीनों के पास शक्ति क्या है, बराबर है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। अब जो कक्षा 9वीं में पढ़ा था, जो कार्यपालिका है वो अपनी सत्ता का प्रयोग करती है, मगर वो किसके नीचे अगर काम करती है, संसद के नीचे अगर काम करती है, बल्कि संसद के अधीन होकर काम करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अब न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब देखो, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका, मगर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर क्या लगाती है, अंकुश, बल्कि रोक लगाती है। कौन लगाती है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका, और न्यायपालिका किस किस पर रोक लगाती है, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगा सकती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, और इस व्यवस्था को कहते हैं हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पर शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे पर रोक लगा सकते हैं और उनको शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सके, इसे कह सकते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो बच्चों आगे देखते हैं, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। अब देखो, अब सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, अब सरकार भी बढ़ सकती है, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार हो और क्षेत्र स्तर पर अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। अब देखो, केंद्र सरकार या संघ सरकार किसे कहते हैं, जो सरकार पूरे देश के लिए बनती है उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसे कहते हैं, जो सरकार पूरे देश के लिए बनती है, हम उसे क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब देखो, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की जो सरकार होती है, इनको हर जगह हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भारत में हम उन्हें राज्य सरकार कहते हैं, और भारत में हम उन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार। जैसे देखा होगा दिल्ली में जो सरकार है हम उसे क्या कहेंगे, राज्य सरकार। ऐसे उत्तर प्रदेश में इन्हें क्या कहेंगे हम, राज्य सरकार। जो एक क्षेत्र की सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार, और जो पूरे देश की सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, हम संघ सरकार या केंद्र सरकार। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार में कौन है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और राज्य सरकार में एक तरह से क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है। अब देखो, कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार होती ही नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। अब देखो, जहाँ भी प्रांतीय और केंद्र सरकार है, तो वहाँ पर ना बिल्कुल संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इनके बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, दोनों के पास कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। अब देखो, बेल्जियम में तो वहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, मगर श्रीलंका में ऐसी कोई सरकार नहीं है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अब राज्य सरकार के नीचे भी एक सरकार बनाई जा सकती है, जिसे नगर पालिका या पंचायतें कह सकते हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब देखो, जब सरकार का वितरण उच्चतर से लेकर निम्नतर के बीच में हो, मतलब कि केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर उसके नीचे पंचायतें और नगर पालिका,
ऐसे वितरण को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। समझ में आ गया, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर हम सरकार का वितरण उच्चतर से लेकर निम्नतर के बीच में करते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तो पहले क्या आएगी? केंद्र सरकार, फिर क्या आएगी? राज्य सरकार, फिर क्या आएगी? नगर पालिका या पंचायतें, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, हम अगले अध्याय में इस विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बच्चों याद रखना ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? जहां पर सरकार का वितरण उच्चतर से लेकर निम्नतर के बीच में होता है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका और पंचायतों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, ऐसे बंटवारे को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। अब देखो, सत्ता का बंटवारा हम भाषा के आधार पर भी कर सकते हैं, समूह भी सामाजिक समूह के बीच में हो सकता है और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। ऐसा हमने कहाँ देखा था? बेल्जियम में देखा था, एक सामुदायिक सरकार थी, तीसरे स्तर की सरकार, जहां पर सत्ता का बंटवारा हो रखा था। पहले वहां केंद्र सरकार थी, पहले वहां पर कौन सी थी? केंद्र सरकार। फिर कौन सी सरकार थी? राज्य सरकार। फिर कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? जिस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अब देखो, कुछ देशों के संविधान में ये भी दिया गया है कि संविधान और कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब कि ऐसा मिलकर उनको, देखो यहाँ किसी भी देश के अंदर SC ST या कमजोर समुदाय है तो उनको आरक्षण दिया जाता है कि वो भी चुनाव लड़ सके और सत्ता में भागीदारी पा सके। और महिलाओं को भी दी जाती है भागीदारी। देखा होगा पंचायतों के अंदर क्या होता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है कि वो चुनाव लड़े और वो भी सरपंच बन सके। ऐसे हमारे देश के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं छोटी जातियों के लिए, तो उनको वहाँ पर आरक्षण मिलता है और वो भी वहाँ से चुनाव लड़ के सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, और पिछले साल मैंने पढ़ाया भी था आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था है हमारे देश के अंदर जहाँ पर खाली छोटी जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। देखो ये इसलिए किया जाता है कि देखो प्रशासन और विधायिका में भी सामाजिक समूह को भी हिस्सेदारी मिल सके, जो कमजोर सामाजिक समूह उनको भी भागीदारी मिल सके, इसलिए यहाँ पर आरक्षित चुनाव व्यवस्था की गई है। लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे और इससे यह ना लगे कि वो शासन से अलग है, इसलिए उनको भी हिस्सेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, और इसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, अब दूसरे चैप्टर में इसमें बात करेंगे। अब हमारा चौथा है और ये लास्ट है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये सत्ता के बंटवारे एक चौथा रूप है जहाँ पर हम दबाव समूह और आंदोलनों की बात करेंगे। और आपने देखा होगा हमारे देश में कितने आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, ये सब क्या करते हैं? दबाव समूह होते हैं। ये सारे दबाव समूह, मतलब कि दबाव समूह किसे कहते हैं? जो सरकार पर दबाव डालते हैं किसी विशेष काम के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दबाव समूह। तो हमारे देश में बहुत सारे दबाव समूह हैं और ये क्या करते हैं? सरकार पर दबाव डालते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब देखो लोकतंत्र में यह हमेशा रहना चाहिए कि सत्ता में हमें चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। मान लो कल को हमें ये पार्टी अच्छी नहीं थी तो हम दूसरी पार्टी को चुनाव कर सके, वो सत्ता में आए और हमारे लिए फैसले ले सके, तो चुनाव में हमेशा विकल्प होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, और ये समकालीन लोकतंत्र में ये होता भी है। देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो विकल्प होते हैं पार्टियों के रूप में होते हैं, जैसे BJP, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ये विकल्प होते हैं। हम इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं, हम अपनी
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, और ये क्या करती है, देखो ये सत्ता के लिए आपस में क्या करती है, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन करती है, कोई कौन चुनाव जीतेगी। पार्टियों को यह आपसी प्रतिद्वंदिता इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। अब देखो इस कॉम्पिटिशन से एक बात पक्की हो जाती है, कभी भी जो सत्ता है वो कभी भी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना रहे, ये हमेशा बदलती रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता की बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। और अगर हम बात करें एक बड़े समय अवधि मतलब कि एक बड़े समय की बात करें, तो देखेंगे कि हमेशा जो राजनीतिक सत्ता यह हमेशा अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के बीच में जाती रहती है। पहले हमारे समय कांग्रेस का राज था, आज किसका राज है, बीजेपी का। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, और कई बार तो ये सही दिखती है, अच्छा है कि ये जो सत्ता की जो भागीदारी है वो कम से कम बढ़ रही है, कभी भी एक विचारधारा वाले लोगों के हाथ में नहीं रहती। क्योंकि दो या अधिक पार्टियों मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है, क्योंकि देखो इसमें अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है और सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित इस समूह को भी सक्रिय देखते हैं। अब देखो लोकतंत्र में बहुत सारे व्यापारी के संगठन होते हैं, उद्योगपति के संगठन होते हैं, किसान के संगठन होते हैं। अब इन सबको क्या कहते हैं, हित समूह। हित समूह किसे कहते हैं, जो इन सबका हित देखते हैं, इनका फायदा। देखो ऐसा समूह जो किसी फायदे को देख के बनाया गया हो ये उसे कहते हैं हम हित समूह। हित समूह किसे कहते हैं, ऐसा समूह जो किसी फायदे को देख के बनाया जाए उसे कहते हैं हित समूह। जैसे यहाँ कौन कौन से समूह है, व्यापारी के, उद्योगपति का और किसान के। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके ये नीतियां पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। अब ये सब सत्ता में भागीदारी कैसे करते हैं, ये अपने समूह के फायदे के लिए सरकार पर क्या डालते हैं, दबाव कि हमारे लिए ढंग का कानून बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कानून बनाती है तो ये सर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं और इस कानून बदलाव करा सकते हैं। इकाई के तीसरे में हम राजनीतिक दल, दबाव और समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे, और इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।